तो रहेगा ही, कितना भी धोएंगे तो निकलेगा ही। आज बनाने जा रहे हैं पोर्ट ग्रेवी। तो फ्रेंड लवमेज कपल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोर्ट ग्रेवी का रेसिपी, आपको शेयर करेंगे। तो जरूर हमारा वीडियो देखिएगा और एंड तक देखते रहिएगा कि कैसे बनाते हैं। तो आगे हम इसको कट कर लेते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं बहुत बड़ा बड़ा है, इसलिए हम दो कट कर ले रहे हैं। इसका तो होगा ही एक कट और इधर से भी से एक कट, जो बहुत मजा आता है खाने में। मुझे तो बहुत पसंद है पोर्ट ग्रेवी। आधा केजी मंगाए हैं, 100 रुपया है, यहाँ पे 200 रुपये केजी है। तो चलिए इसको आगे काट लेते हैं, धो लेते हैं। ग्रेवी को तो कुछ करना है नहीं, बस ये तो दो फाका कर देते हैं। इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसको बीच से कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि मसाला घुसेगा। हम दो एक में नहीं किए लग रहा है, ये करते ही नहीं है, इसको बहुत मुश्किल से काटना पड़ता है। तो डर भी लग रहा है कि हाथ ना कट जाए, चाकू से कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ नहीं है। देखिए देखिए इसको धो रही है, नहीं रहे इसलिए इसको धोया जाएगा। कुछ है तो नहीं, सिंपल इसमें जो है थोड़ा वो तो रहेगा ही, कितना भी धोएंगे तो निकलेगा ही। गुल्लू जी क्या कर रहे हैं आप? आज बनेगा पोर्ट कलेजी, खाएगा ना बेटा? गुल्लू पोर्ट कलेजी खाएगा, कैसे खाएगा बेटा, कैसे खाएगा? जीभ निकाल के खाएगा। पूरा मुंह में पानी आ रहा ना बेटा देख के अभी से। गुल्लू खाने के लिए पूरा तैयार है, नंदनिया भी धो रही है दोस्तों। पूरा पानी अच्छे से निकाल लेते हैं, इसके पूरा पानी इसका निकाल लेते हैं, निकाल के अब हम चलते हैं। फिलहाल इधर गुल्लू का भी सोने दिए हैं, बाहर में धूप है इसीलिए सो रहा है। हम लोग यही है, ज्यादा दूर में नहीं है इसलिए यहाँ पास है हम लोग इधर। और प्याज को भी जा रहे कट कर लेते, इतनी प्याज डालेंगे देखते हैं आगे कट करके कितना होता है ना बेटा। गुल्लू क्या बोया, मजा आ रहा तुमको? क्या बात है तेरा, ज्यादा ही मजा आ रहा तेरे को? गुल्लू के पास आ जा। क्या बेटा खाएगा ना पोट कलेजी? जीभ निकाल गया, जीभ निकाल दिया, जीभ निकालता है। यार मेरा सोनो तो देखिए ना, किसको बहुत मच्छर काट लिया रात में, 2, 3, 4, 5 मच्छर काट लिया। मच्छरदानी में भी लगाते हैं इसको, तू भी काट लेता, ये मच्छरदानी में रहने भी नहीं खोजता ना जल्दी। नरे काटा ना मच्छर, काटा ना, मजा आता है मच्छर से कटवाने में। तो दोस्तों इधर नंदनी अभी प्याज कट कर रही है, इतना प्याज देगी आधा किलो चिकन में। पोट कलेजी है वो दिया आधा किलो 90 रुपया करके दिया है, 90 रुपया
पूरा प्याज जल्दी बहुत झास मारता है प्याज। और मसाला भी निकाल लिए हैं। कढ़ाई हो गया, तब तक हम चिकन, अब कढ़ाई, उसके बाद अब प्याज डालेंगे, तेल, तेजपत्ता, तो देखते जाइए और मेरा वीडियो पूरा मिस मत कीजिएगा। कैसे बनाती रहनी है, बहुत मजा आएगा खाने में। तो मसाले में देख सकते हैं क्या लिए हम, इतने सारे लहसुन लिए हैं, आप इतने आधा किलो में हिसाब करके दे सकते हैं। 2-3 पोटी लहसुन दिए हैं, 4-5 जीरी मिर्चा दी है, जितना आपको तीखा खाए, और ये आधा टुकड़ा का प्याज दिए कट करके, तो इसको मिक्सर में पीस लेते हैं। इसको भी हम सोच रहे कि थोड़ा गर्म मसाला भी दे देंगे ना, तो बहुत मज़ा आएगा। तो हम ग्राम पे ही लेते हैं, तो रखा हुआ था, तो सोच रहे इसको भी डाल दें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा खाने में टेस्ट। तो ज़्यादा देंगे नहीं, जितना हिसाब से आप दे सकते हैं। तो बस इसको भी हम उसी मसाले के साथ में पीस देंगे, इसको भी इसको अलग हटा देंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें तेल लाते हैं। तेल आप जितना ना सके जान हिसाब से, ज़्यादा नहीं, जिसको हल्का और हल्का जीरा देंगे। तेल पूरा गर्म हो गया है, देखिए देख सकते हैं, इसको ना दिए, ये हो चुका है। इसमें भी देखते हैं क्या देखते हैं, एक इसके साथ में जो हो जाएगा, हल्का तेज भून कर लेते हैं, अभी होने देते हैं, हल्का भूनने उसके बाद ना देते हैं इसको, देखते हैं। अभी प्याज ना दिए तो अभी प्याज थोड़ा ब्राउन होगा, उसके बाद हम चिकन को डालेंगे। मारा गुल्लू जी इधर, क्या हो रहा गुल्लू? अभी हो चुका है, हल्का गलने लग गया है प्याज, तो अब हम इसको नाएंगे, तो फिर इसके साथ में ही भुन जाएगा, ये भी भुन जाएगा। इसको बनाते हैं, देख सकते हैं ना रहे हैं, पानी चुवा के डालिएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा चप चप हो जाएगा ना, तो ठीक नहीं लगेगा। अच्छा चप भून जाएगी, चप चप के हो रहे हैं, चप चप हम बाकी का काम कर लेते, इसको धो के आगे छाप देते हैं। मसाला पीस लेते हैं मिक्सर में, तब हम जल्दी पीसेंगे इसका मसाला। आया कि नहीं, शायद हो चुका है, बस ये लग रहा है, ये डाले है ना गरम मसाला साला, वो थोड़ा भी नहीं पिसा है, गरम मसाला पिसा गया है। तब इसको हम बंद उंद करके सोच उच रख देते हैं, हो गया है। तो नमक डाल दे रहे ना, जो आज प्याज सब है पूरा गल जाएगा, आप जितना टेस्ट कर सकते खा सकते हैं नमक, उसी के हिसाब से आप दीजिएगा, ज़्यादा नहीं बनना ये हो जाएगा। तो हम अपना टेस्ट से दिए, ये अभी पूरा भुज जाएगा, पूरा प्याज गल जाएगा, चिकन भी पूरा अच्छा से हो जाएगा। इसको हम झाँप देते, अपना होगा मीठी आँच में धीरे धीरे, तब तक ये सब हटा लेते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ गलने में, तो गल जाए आराम से, तो उसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। तो हम आगे हल्दी थोड़ा सा ना देते हैं कि साथ में भुजा जाएगा हल्दी में, ना सुनो ना, इधर इधर चिकन खाएंगे ना हम चिकन खाएंगे, देख सकते हैं अब हल्दी डाल रहे हैं, इसके साथ में भुज जाएगा, आप जितना पीला रख सकते हैं। तो मेरा
बाबू भी है ना साथ में, तो परेशानी तो करते ही है। अब हल्दी दे दी है, देख सकते हैं तो तेल में ही है लग रहा है, और तेल भी काफी छोड़ दिया, हम भी तेल दे दिए थे, तो देख सकते हैं ये तो लग रहा पूरा फ्राई होके निकल रहा। नहीं अभी मसाला नहीं दी है, खत्म पड़ेगा है। अभी पूरा ये हो गया तब इसमें मसाला डालते हैं, अभी मसाले में इसमें भून जाएगा तो पूरा भून जाएगी ना, इसलिए मसाला डाल दें, अब इसी के साथ में भून जाएगा। अभी मसाला भी अच्छा से पूरा भूनेंगे पूरा लाल करके, तो ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में दोस्तों, देख सकते हो। इसको पकड़िए ना जी, इसलिए इसको साथ में दे के भूंज रहे हैं, इसको भी पूरा ना देंगे जो मसाला लगा हुआ है, तो साथ में ही भूंजा जाएगा। इसमें अब हल्का भूंजा जाने के बाद उसके बाद हम अदरक, ये अदरक बोलो सॉरी धनिया गुंडी मिर्चा गुंडी जो आप दे सकते हैं, आपको सूखा मसाला देख सकते हैं मेरा पूरा भुजा रहे, तो बहुत मज़ा आने वाला है खाने में। अरे सूख के ना पूरा थोड़ा सा हो जाएगा मस्त, इसको भूजते हैं अच्छा तरह से भुजा जाए। ये जीरा और गोलकी पाउडर है, इसमें जितना आप हिसाब से आप दे सकते हैं, तो हम 1.5 चम्मच दे रहे ज़्यादा नहीं, 1.5 चम्मच धनिया पत्ता भी दे दीजिए, 1.5 चम्मच ज़्यादा नहीं, उसको अच्छा से 10 मिनट और भूंजेंगे पूरा मसाला को, तब मसाला अपना भूंजा जाएगा, उसको अभी छाप देंगे। धनिया पत्ता भी देंगे कट करके, तो देख रहे हम काट रहे हैं, हो गया कट, तो इसको थोड़ा चला लेते हैं। तो मेरे चिकन तो काफ़ी मतलब पोट के लिए पूरा अच्छा तरह से लाल हो गया है, इसमें जो मसाला है उनको तो 5 मिनट और भूज लेते हैं, जरा पानी ना दे ये वाला, पानी नहीं आएंगे ना दोस्तों। तो मेरा चिकन पूरा बन चुका है, तब इसको हम बंद कर दे रहे हैं, मतलब पोट के लेजिए चिकन नहीं है, चिकन है चिकन, अब इसमें धनिया पत्ता ना दे रहे हैं, तो काफी बन चुका है। मेरे बाबू बहुत रो रहा है, हाँ बेटा हाँ, तो बन गया तैयार है मेरा मटन, मटन नहीं पोट के लेजिए, मटन से थोड़ी कुछ कम है, तैयार किया है। चिकन मसाला क्यों ज्यादा ये नहीं, हम ऊपर से ही मसाला देते हैं, ये तो अपने फिर साथ में घुल जाएगा, इसको थोड़ी कुछ सिझाना रहता है दोस्तों। हम धनिया पत्ता उत्ता सब ना के गरम मसाला सब कर दिए हैं, तो सब हो गया अच्छा से, ये लटपट ही रखा है कि रोटी के साथ खाने बहुत ज्यादा टेस्टी, तो बन चुका है, तो उसके बाद हम रोटी बनाएंगे। मेरे गुल्लू बहुत रो रहा है, बस तो बन चुका है, तो मेरी प्लीज हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगता है हमारा वीडियो, तो बाय दोस्तों।